मेरा नाम ज़मीर है, मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। 12 तारीख को हॉस्पिटल में मेरा भर्ती हुई है और 13 तारीख को मेरा सर्जरी हुई थी। सर्जरी के दिन पहले आपको एनेस्थीसिया देते हैं स्पाइन को। इस एनेस्थीसिया की वजह से आपको सर्जरी का कोई दर्द ऐसा कोई महसूस नहीं होता है, मगर एनेस्थीसिया थोड़ा कम होने के बाद आपको थोड़ा सा दर्द तो होता ही है और एक दिन तो थोड़ा दर्द होता है और नेक्स्ट डे से पेन किलर्स देना शुरू कर देंगे ये लोग। पेन किलर्स के वजह से दर्द तो कंट्रोल में आ जाएगा और हर दिन फिजियोथेरेपी के लोग आते रहते हैं। फिजियोथेरेपी वाले आपको थोड़ा एक्सरसाइज सिखाते हैं कि कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे कैसे खड़ना है, कैसे चलना है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको एक महीने तक पैर को नीचे नहीं रखना चाहिए, आपको वज़न नहीं डालना चाहिए उसके ऊपर, इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। वो कैसा रखना है वो पूरा फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता देते हैं इधर। और मेरा तो एक दिन तो दर्द था और दो तीन दिन से तो मेरा दर्द तो उतना तकलीफ़ नहीं है, बहुत कम है। पहले दो दिन तो रात में सोने से दिक्कत होती थी, मगर आज रात तो अच्छा नींद लग गई थी, इतना दर्द नहीं था, सब कुछ ठीक हो रहा था। आज 16 तारीख है, आज शाम को मेरे डिस्चार्ज है। सो अब जो भी मेडिसिन लेना है, कैसा लेना है, वो पूरा डिस्क्रिप्शन हमको दे रहे हैं लोग, और हम घर जाकर उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो होना है और 10-15 दिन के बाद एक एक्सरे निकालना है और हॉस्पिटल को पहुंचाना है, क्योंकि आपका कंसल्टेशन होना चाहिए ना कि कितना बोन बड़ा है या नहीं। सो इसका अपडेट रखने के लिए आपको एक्सरे काट कर हॉस्पिटल को भेजना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ कि एक महीने में मेरा पैर पूरा ठीक हो जाएगा और एक दो महीने और एक महीने के बाद दूसरा पैर का सर्जरी भी कराना चाहिए। और इस ट्रीटमेंट के दौरान मैं अमित भैया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हर दिन मुझे फ़ोन करते थे, हर दिन हमारा प्रोग्रेस पूछते थे। वो बहुत मदद करते थे हम लोगों का, वो हमको जानते तक भी नहीं है, मगर उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। वो हर दिन हमारा प्रोग्रेस कैसा रहता है, कैसे होगा, और पैर में स्वेलिंग आए तो क्या करना है, ये सब ऑलरेडी उनको पता था, इसलिए हमको बताते थे ताकि हम कहीं पैनिक ना हो जाए। सो हमिद भाई को आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू हिम, क्योंकि इसने बहुत मदद किया है और एक अच्छे इंसान से मुझे दोस्ती भी हो गई है।